पिंडदान करना है, बद्रीनाथ जी जाना चाहते हैं, इनकी बात सुन के मुझे लगता है यार इनको तो एटलीस्ट भेज देना चाहिए। अरे हाँ, अगर कुछ हो सकता है मैं आपको अपनी स्कूटी से छोड़ने जाऊंगा। और बोलो, जो लोग अपने दो पांव पे यात्रा करते हैं उन लोगों को ही आना चाहिए। राम राम दोस्तों, जय बोलेगी। तो भाई आज है 21 मई 2024, सुबह के 7:45 हो रहे हैं और अभी यहाँ पर मेन बस स्टैंड आया हुआ हूँ, यात्री कैंप जो लगा हुआ है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लेना भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रखा था क्योंकि यात्रियों में बहुत रोष था। उस चक्कर में यहाँ पर थोड़ा आप वीडियो जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो भाई इस टाइम पे आज अपडेट ये है कि यात्रा अभी फ़िलहाल जो ऑफलाइन वाली है वो बंद कर दी गई है, 31 मई तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जो जहाँ है वहीं रहें, अभी यहाँ पर यात्रा में आने का कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन वालों को भेजा जा रहा है। इस वीडियो को ना सबके साथ शेयर कर दो तो यार एटलीस्ट अगर किसी की हो सकता है हेल्प हो सके इससे। और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, जय गंगे मैया की। बाकी भाई सारी अपडेट आपको साथ साथ दे रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, लाइफ इज ट्रैवल _official, तो फॉलो कर लेना वहाँ पर भी। चलिए मिलते हैं फिर आगे, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। राम राम जी। राम राम भाई साहब। राम राम प्रणाम। कहाँ से आप? हम रीवा जिले से हैं, तहसील मनगवां है और ग्राम पंचायत अगड़ाल है, विकास खंड गंगेव है, ग्राम अगड़ाल और मिलिया के निवासी हैं। हम लोग 18 आदमी हैं, माता जी का पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं। और मैं सैलानी नहीं हूँ, ना गंगोत्री घूमूंगा, ना यमुनोत्री घूमूंगा, ना केदार बाबा का दर्शन करूंगा। केदार बाबा मेरे सदैव दिल में विराजमान रहते हैं, माता मैया जो हैं तो मेरे सदैव दिल में विराजमान रहती हैं। मैं 3 दिन से बिल्कुल तपस्या कर रहा हूँ, भूखा हूँ, लेकिन मेरी ऊर्जा आप देख चुके हैं कि किस तरीके से मैं कह रहा हूँ वो बात मेरी सत्य हो रही है। लेकिन मेरे को पिंडदान करना है माँ के लिए, तो माँ के लिए परमिशन हमको चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो यही मैया का जो है तो पिंडदान गंगा मैया में कर करके और वापस चले जाएंगे। यही मेरी शासन से भी अपेक्षा है कि मुझे न रोका जाए, मेरा कार्ड जमा हुआ है, मुझे मतलब परमिशन दे दी जाए कि मैं वहाँ की यात्रा, सिर्फ बद्री धाम की यात्रा। तो भाई ये इनका मकसद अभी यात्रा नहीं है लेकिन किसी और पर्पज से आया है, जैसे कि बता रहे हैं पिंडदान करना है, बद्रीनाथ जी जाना चाहते हैं। तो यार मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि इनका एटलीस्ट इनको भेज दिया जाए। तो मैया मेरी मर चुकी है, जन्म दे चुकी है, लेकिन उसके पेट में रहते हुए मैं दूध नहीं पी पाया हूँ। उस श्रद्धा और विश्वास के साथ मैया को मैं ले जा रहा हूँ तो बद्री धाम में मेरा पिंडदान हो जाए, वापस घर लौट जाऊंगा, यही मेरी अपेक्षा है शासन से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और आगे तक इनकी बात जानी चाहिए। और भाई मैं तो यार मैं भी अपनी तरफ से अगर कुछ हो सकता होगा बात करता हूँ यार, यहाँ पर कुछ हो जाए। हालांकि यहाँ पर देखो किसी की सबके लिए एक ही जैसा रूल है, लेकिन यार एटलीस्ट इनकी बात सुन के मुझे लगता है यार इनको तो एटलीस्ट भेज देना चाहिए। अरे हाँ मता यार, ये तो इमोशनल हो गए। कल भी मैंने देखा था, मैं जिनकी बात कर रहा था ना वो यही थे जो रो रहे थे। गरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं भोले बाबा तोहरी दूरी नगरी। माते पिता भ्राता सुत बांधव नारी चेरा रे, जगत में कोई नहीं मेरा रे। तो भाई देख सकते हो सारी लाइनें खाली पड़ी हैं, बस ये आपको बैनर दिख जाएगा, 31 मई तक रजिस्ट्रेशन की समस्त कार्रवाई को अब परिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है, काउंटर क्लोज 31 मई 2024 तक। और देख सकते हैं भाई सब सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और शायद इसी उम्मीद में कि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन खुल जाए और इनको जाने का मौका मिले, क्योंकि सब लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यार। और भाई जो मैंने अभी आपको एक वो जो गुरु जी हैं वो जो ऑरेंज कपड़ों में, उनकी भी आपको वीडियो दिखाई, तो यार बहुत परेशान है। अगर उन मैं तो दिल से चाहूँगा उनका काम हो जाए। ये भाई का पंजीकरण कार्यालय ताला लगा हुआ है और भाई पब्लिक सब जगह बैठी है। और यहाँ है चार धाम यात्रा पुस्तक एवं सहायता केंद्र, और आप देखो यहाँ पर क्या सहायता मिल रही है, कोई नहीं है, एकदम खाली है। बाबू जी आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया जी, क्योंकि देखो मैं रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा सकता, मैंने अभी
बात करिए, वो यही कह रहे हैं जिनका फॉर्म भी जमा है ना, वो भी 31 के बाद की ही डेट मिलेगी। हमको रूम दिलवा दिया जाए एक, हम 2000 रुपए पर डे वो कर रहे हैं और 100 रुपए का भोजन एक 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 टाइम इसके, इसके लिए मैं आपको पता करके, मैं यही हूँ पता करके बताता हूँ, जिससे कि आपका कुछ एक रूम दिलवा जाए। 18 आदमी हैं हम लोग, बर्बाद हैं, हम गरीब हैं जी। आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए ना, वो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी अगर आपको कहते हो। वहाँ नाजायज लग रहा है पैसा मेरा, फॉर्म जमा है, मैंने अभी अभी पूछा है, जो फॉर्म जमा है उनका नंबर भी 31 के बाद आएगा। तो यार आप लोग समय बर्बाद ना करें, अगर रुक सकते हो तो रुको, नहीं तो नहीं। जिसका हो गया सब हमारा हो गया, क्या हो गया, टिकट कैसे होगा, टिकट की व्यवस्था भी कैसी होगी, रजिस्ट्रेशन हो गया हमको, वो मिला नहीं है। तो भाई साहब वो ऑफिस खुलने का इंतजार करो। एक बात बताएं, जैसे हमारे ग्रुप में कुछ लोगों का आधा हो गया है रजिस्ट्रेशन, मेरे को मिल भी गए यार, हाँ वो आधे बकाया। अच्छा आधे रह गए, हाँ ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति है भाई। हाँ तो हो भी गया है, तो जब किसी को नहीं मिल रहा, हमको नहीं मिलेगा। हनुमान जी मेरी बात सुनो, मेरे ग्रुप में 107 आदमी, 107 हाँ, उसमें 38 का हो गया है, मेरे को मिला है 38, हाँ और बकाया रह गए, तो उनका कैसे क्या। तो भाई साहब देखो, अगर थोड़े बहुत रह गए होते तो चलो समझ भी आता, वो लोग भेज भी देते, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, तो आप या तो उनको ही जाने दो या सारे रहने दो, यही हो सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि संख्या बहुत बढ़िया है। अब 10 में 2 रह गए होते तो चलो वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना। सिर्फ मेरे को 2 आदमी भेज दीजिए और बाकी जगह रहेंगे उनके पास। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन इन योर। तो बात वही है, ये जिन्हों का भी हुआ है ना, पेंट आउट चलेगा, अगर ये नहीं देते हैं पेंट आउट करने वाले हैं उसका चलेगा, क्या चीज पेंट आउट हमारा है जो, हाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, सब हमारा हो गया। अगर प्रिंट आउट निकल जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें वो QR कोड बना होगा, है ना, वो देख लो आप प्रिंट आउट निकलवा के। बाकी देखो मैं भी ये पता करता हूँ आपके, अगर कुछ हो सकता है भाई, मैं भी थोड़ा ना ये सिस्टम समझने की कोशिश करता हूँ, और यार सब लोगों को ना मतलब यहाँ हेल्प की जरूरत है, और देखो जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, मुझे भी इधर कुछ नहीं पता, मैं कुछ पता करने आया हूँ, ताकि मैं सिर्फ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी जो लोग हमारे टीम में, श्रीमान जी हमारे टीम में 2 आदमी को भेज दिया जाए, हमारे पास पैसे नहीं। भाऊ जी अगर मेरे बस में हो ना, मैं आपको स्कूटी से छोड़ने चले जाऊंगा, अगर रजिस्ट्रेशन हो मेरी स्कूटी है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ के आऊंगा। और सुनो मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर कुछ हो सकता है मैं आपको अपनी स्कूटी से छोड़ने जाऊंगा, और बोलो सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ। देखो मैं इनके लिए कनेक्शन हो रखा है, मैं इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं स्कूटी से छोड़ के आऊंगा अगर मैंने कहा है तो। बस आपको पिंडदान कर लेने दीजिए, बद्री धाम में वापस लौट आऊंगा, सारी सारा दर्शन हो चुकेगा, इस उद्देश्य से आए, मेरे पास साथी 18 हैं, लेकिन मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ, कोई साथी हमारे मदद कर दे तो वहाँ पे तक चला जाऊँ। बस भाई अब मैं इनके लिए पता करता हूँ, अगर वो इनको छोड़ते हैं जाने देते हैं तो मैं अपनी स्कूटी से जाऊँगा, और इनके थ्रू हो सकता है भाई मेरे भी दर्शन हो जाएंगे वहाँ पर। देखो बस से जाना दिक्कत है, लेकिन देखो इनकी दिक्कत अलग है। हमारे पास पैसे नहीं है मेरे पास, हम लोग 13 तारीख से घर से निकले हुए थे, किस खुशी बस से मैं होटल में खर्च गुजार रहा हूँ, उधर नजर दे रहा हूँ भाई, सब लोग परेशान है वहाँ, बहुत भीड़ हो गई है। अगर और जने चले गए और वहाँ अगर भीड़ भाड़ की वजह से अफरा तफरी हो गई, तो भाई साहब ये जान पे बात आ जाएगी। ये चीज़ हमें समझनी है। देखो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, सब लोग इकट्ठे आ गए हैं शुरू में ही, जबकि अगर धीरे धीरे अगर आए ना सब लोग, जैसे अभी यात्रा तो चलेगी कई महीने, मैं खुद देखो मैं चाहूँ तो मैं आज निकल जाऊँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता स्कूटी से, वही कोई मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है मैं सितंबर में जाऊँगा तो भीड़ भाड़ नहीं होगी। आप हमारी मदद कर दीजिए, मैं आपके लिए ऐसा करेंगे अब ये ऑफिस खुलेगा ना, तभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑफिस नहीं खुलेगा बोल रहे हैं, नहीं खुलेगा वो 31st तक क्लोज करके बोल रहे हैं ना, ऑफिस नहीं खुलेगा, वो कैसे करेंगे। अच्छा कैसे करेंगे कि मैं इनको लेके, भाई देखो यार मेरे को ना बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं इनकी कोई हेल्प ही नहीं कर पा रहा। हेल्प करके दूर से ना आए, इंडिया से आए, तेलंगाना से आए, तेलंगाना से आए, क्या करेंगे उसको, बिजनेस तो आया। तो भाई ये मैडम सिक्किम से आई हुई हैं, सब लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ये कोई बिहार से है, कोई रीवा से है, सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं देश विदेश से। मैं इनको सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि भाई देखो आप लोगों ने जितनी यहाँ परेशानी झेली है ना, उससे कई गुना परेशानी आपको वहाँ हो सकती है, इसलिए अभी
फिलहाल समझ लो भोले बाबा का बुलावा नहीं होगा, जब होगा अपना धीरे धीरे जब कोशिश करना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर टेंशन ही नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, सीधा पहुंच जाना जैसे मर्जी जाओ ऑनलाइन वाले में। ऑफलाइन वाले में जब भीड़ कम हो जाएगी तब आना, बारिशों में भीड़ कम होती है लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है, बारिशों के बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है और उस टाइम पर आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। मैं यहीं रहता हूँ लोकल में, लेकिन मैं भी सितंबर का ही प्लान करके बैठा हूँ क्योंकि मुझे भीड़ में दर्शन करने में मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा, जाएंगे तो अच्छे से दर्शन करेंगे ना। तो अब हम ना मन शांत करो, जो ऊपर वाले को भोले बाबा को मंजूर होगा मानते हो, उनके बिना तो कुछ नहीं होता ना, तो बस फिर अपना यहाँ आसपास घूमो मस्त, और किसी को हेल्प चाहिए हो तो बता देना भाई, यहीं हूँ मैं, नंबर ले सकते हो, और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, मेरा चैनल है यूट्यूब पर तो उसमें सब्सक्राइब कर देना, बाकी ताकि क्या है औरों को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ठीक है जी। और इंस्टाग्राम आईडी है लाइफ इज ट्रैवल अंडरस्कोर ऑफिशियल, ठीक है जी। एक बार सारे जयकारा लगा दो, बोलिए बद्री विशाल की जय, बोलिए जगन्नाथ गंगा मैया की जय, बोलिए केदारनाथ स्वामी की जय, बोलिए यमुनोत्री मैया की जय, बोलिए बद्री विशाल स्वामी की जय, बोलिए केदारनाथ की जय, हर हर महादेव। भाई एक डेढ़ घंटा हो गया है, सब में इतनी यार क्वेश्चन है ना कि सब लोग सोच रहे हैं कि मैं ही इनकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो आप लोग मध्य प्रदेश में कोई जगह बता रहे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं एमपी में, और कह रहे हैं भाई 10 दिन लगेंगे लेकिन हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इनको दर्शन की बड़ी जिज्ञासा है कि भाई दर्शन करने हैं। लेकिन भाई मैं तो इनको यही राय दे रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल आप लोग अपने अपने घर लौट जाएँ, और जब थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा उसके बाद ही आना। इतना दूर से कब आएंगे? हाँ नहीं आएंगे ना, अब उतना दूर पैदल जाने के लिए तैयार है भाई, लेकिन मैंने इनको साफ मना करा है क्योंकि पैदल में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी, बड़ी गर्मी भी है, चलो भाई जब भोले बाबा का बुलावा होगा तो इनको बुलाएंगे। मैं चाहूंगा यार सबका समाधान हो, जय गंगे मैया की, हर हर महादेव, वाहन दो 15-20 दिन भी रुक सकती, उस पर रोक लगना चाहिए। जो व्यक्तिगत गाड़ी ले जाता है वहाँ वो रुक के रह गए हैं, जब वो रुक जाएंगे वहाँ पर तो जो यहाँ की गाड़ी होती है वो 10 दिन में लौटने के लिए चलो चलो, और जो लोकल लेगा तो वो तो 15-20 दिन रुके रहेंगे। भाई यंग लोग जा रहे हैं वहाँ तो मौज मस्ती मना रहे हैं, प्रशासन प्रशासन को ये देखना चाहिए। इन अंकल जी से पूरी तरह से सहमत हूँ, मौज मस्ती वाले पहुँच रहे हैं, रुक रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। देखो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, वहाँ जाके भीड़ इकट्ठी करने का कोई मकसद नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया सितंबर में जाऊँगा जब भीड़ कम हो जाएगी, और भाई सब कुछ सिस्टम एक, अगर आप ऑफलाइन चला रहे हो तो ऑफलाइन चलाओ, ऑनलाइन चला रहे हो तो ऑनलाइन, और वहाँ पर एक दिन से ज्यादा रुकने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मेरे को कन्फर्म है वहाँ पर जो लोग ये वीडियो वगैरह बनाने के मकसद से जा रहे हैं वो कई कई दिन डेरा जमा के वो सिर्फ अपने व्यूज वगैरह के चक्कर में, लेकिन भाई देखो जो लोग एक्चुअल में यात्रा करना चाह रहे हैं, गलती कुछ उनकी भी है और कुछ यहाँ की भी है। देखो सब लोग देखो एक गलती ये है कि सारे के सारे सोच रहे हैं हम इकट्ठे जाके दर्शन कर लें, वो चीज पॉसिबल है घाटी के अंदर नहीं है ना पॉसिबल, 10 दिन से ज्यादा नहीं उनको रहना। तो ये सारी भाई देखो बहुत बहुत बड़ी यात्रा है, देश विदेश से सब लोग आ रहे हैं, ये तो होना ही था, बस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अब आगे ऐसा ना हो तो ये सब चीजों में सुधार किए जाए ताकि लोग परेशान ना हो। नहीं करना चाहिए, यहाँ से आ रहे हैं कहीं वहाँ से आ रहे हैं, तो भाई एक लोग तो लोकल वाले कहीं भी हो सकता है, नहीं होना चाहिए। भाई जो लोग एक्चुअल में यात्रा करना चाह रहे हैं ना, जो लोग अपने दो पाँव पे यात्रा करते हैं उन लोगों को ही आना चाहिए, जो लोग अपने पाँव पे यात्रा नहीं कर सकते ना घोड़े खच्चरों पे बैठ के जो लोग जा रहे हैं वो अपने घर बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप आएंगे मुझे मैं इतना जानता हूँ, आप लोग जितने खड़े हैं आप लोग पैदल यात्रा करने वाले हो ना, है ना, पैदल पैदल यात्रा करने वाले, और जो जो पैसे वाले हैं ना वो घोड़े पे बैठ के चल देते हैं, वो यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे को कष्ट दे के आप यात्रा करोगे ना उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई थी लास्ट ईयर, जितने घोड़े वगैरह पे बैठे थे ना भाई साहब चलने वालों के लिए तो रास्ता ही नहीं छोड़ते, ऐसा होगा या तो इन लोगों के लिए अलग रास्ता बन जाए, पैदल वालों के लिए अलग हो, और अगर नहीं बन सकता तो यार जो सच में एक्चुअल में यात्रा करना चाहते हैं ना पैदल वाले उन्हीं को ही जाने दे। महाराष्ट्र में
भाई उन लोगों की मजबूरी है, वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भाई हम तो खुल के बोलेंगे जो सच्चाई है। नहीं है भाई, और क्या है क्या? तो भाई शाम के ना 6:30 हो रहे हैं और एक बार ही देखने आया था कि कैसा माहौल है यहाँ पर। तो भाई लगभग आधी पब्लिक तो छट चुकी है, जिनको अब क्लियर हो गया कि अब 10 दिन तक कोई उम्मीद नहीं है। तो जो लोग नहीं रुक सकते थे बिल्कुल भी, वो लोग अपना जा चुके हैं, और जिनको अभी भी उम्मीद है तो वो लोग रुके हुए हैं। हो सकता है भाई धीरे धीरे ये भी अपना आगे अपना घर की तरफ निकल जाएं। तो देखते हैं आप कल कैसा माहौल रहता है, यहाँ के पता करूँगा और साथ साथ आपको बताता रहूँगा। हो सकता है बीच में यात्रा खुल भी जाए अगर भीड़ कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पल पल सिचुएशन चेंज होती है, और जो भी पल पल सिचुएशन चेंज होगी वो आपको पल पल की खबर यूट्यूब पे तो थोड़ा सा डिले होता है, एक ही टाइम आती है वीडियो, लेकिन इंस्टाग्राम में हैंड टू हैंड मिलती रहेगी। लाइफ इज ट्रैवल _ ऑफिशियल। तो भाई देख सकते हो आप आगे तक जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक खूब है इस टाइम, और मैं तो भैया यहाँ से बीच वाले रास्ते से जानकी सेतु निकल जाऊँगा, लेकिन भाई देखो वैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रात के 8 बज चुके हैं फिर भी ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। वानप्रस्थ आश्रम है, इसके सामने ये पंडाल लग रहा है, कल से कथा स्टार्ट होने वाली है, 21 तारीख है, कल 22 तारीख से यहाँ कथा स्टार्ट हो जाएगी, तो आएंगे यहाँ पर देखने भी। राम राम दोस्तों, फ्रेंड्स, एक्चुअली कल रात को वीडियो एंड नहीं कर पाया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वीडियो एंड कर रहा हूँ, और बस अड्डे पर आया हुआ हूँ आज की अपडेट के लिए। 22 तारीख है और ये 21 तारीख का ब्लॉग चल रहा है, तो भाई अभी यहीं से वो दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू हो जाएगा, जो लेटेस्ट अपडेट होगी 22 तारीख की वो आपको कल सुबह पता चलेगी। तो एक्चुअली जो बाबा जी आपको मैंने दिखाया था वीडियो में मिले थे, जिनको मैंने कहा था मैं आपको खुद छोड़ के आऊँगा, तो उनका कॉल भी आया था, बट मैंने यस कर दी, मैं रेडी भी था जाने के लिए, लेकिन फिर बाद में दोबारा बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि मुश्किल हो रहा है जाना अकेले, क्योंकि वो अपने 18 साथियों के साथ आए, उनके छोड़ के निकलना ठीक नहीं रहेगा। तो भाई अब हमने तो अपनी कमिटमेंट पूरी करी, बाकी जैसा उनका प्रोग्राम था, जैसे भोले बाबा को मंजूर था, और भाई मुझे अनऑफिशियली तो 20 तारीख को पता चल गया था कि यात्रा 31 तारीख तक स्थगित हो गई है, बट जब तक कंफर्म नहीं था मैं, इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया, और आज ही मैंने आपको इस वीडियो में अपडेट कर दिया है 31 तारीख तक यात्रा पूरी तरह से बंद है, सिर्फ ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वही जा सकते हैं। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो यार, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, दिस इज़ नॉट फेयर। भोले बाबा का नाम लो और सब्सक्राइब कर दो। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव।